हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? और आज हम आपको बताएंगे कि हमारे मूर्ति में जो बनाने के लिए टूल्स कौन से यूज होता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो टूल्स हैं वो आप ये टूल्स जो अमेजोन से खरीद सकते हैं मूर्ति बनाने के लिए, बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। और मैं इससे ही सारा मूर्ति बनाता हूँ, जो भी हाथ से मूर्ति बनाता हूँ मैं इसी से बनाता हूँ और इसी से सारी मैं फिनिशिंग, जो ज़्यादा मिट्टी लग जाती है उसको हटानी, लगानी, फिर उसको डिज़ाइन बनाना, सारा मैं इसी से बनाता हूँ। तो आप भी अगर ख़रीद सकते हैं तो आप अमेजोन से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप डिस्कशन में ज़रूर बताइए ताकि हमको हम मूर्ति को बना रहे हैं। ये बाबा जी हैं नकुदर वाले, नकुदर में बाबा जी की मूर्ति ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो मूर्ति मिट्टी ज़्यादा लग जाती है उसको हटाने के लिए ये टूल्स हैं वो यूज किया जाता है। ये वाला मिट्टी मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लगी थी, इसको हटाने के लिए, हल्की हल्की हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है, जो फिनिशिंग मूर्ति की फिनिशिंग है वो प्रॉपर आ जाए, इसीलिए ये इस टूल का यूज किया जाता है। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मूर्ति हैं जो कैसे बनाई जाती हैं। मेरे पास मोल्ड की मूर्ति में बनाऊँगा तो मोल्ड का पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार करते हैं उसको, कैसे पैकिंग लगाई जाती है और कैसे उसको मोल्ड को बनाया जाता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।